कल हमने अच्छा कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी इंडक्शन डिस्क रिले की, तो उसमें जो रेगुलर रिले है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड है, और ये स्लाइड में आपको नजर आ रही है, इसमें अपर मैग्नेट है और ये लोअर मैग्नेट है। अपर मैग्नेट जो है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स फाई वन, यानी ये जो ऊपर वाला है ये पोल वन है, और नीचे वाला जो है ये पोल टू है। इसकी जो वाइंडिंग है वो उसी तरह जैसे आप ये जो है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ से आप ये वायर देखें जी, ये फ्रॉम सीटी लिखा हुआ है, यानी ये जो है रिले जो है कनेक्ट होगी सीटी के साथ, सीटी का एक टर्मिनल आया यहाँ से होता हुआ, और ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी, यहाँ से ये वापस आया, और फिर यहाँ पे स्टेप्स हैं जी, देर आर 7 स्टेप्स फ्रॉम 1 to 7, और ये फिर उसका एक कॉमन टर्मिनल है, ये अलग अलग होगा, ठीक है जी। ये जो है ये अभी बताऊंगा कि ये क्या चीज है, और यहाँ से ये सीटी का वापस आ गया जी दूसरे टर्मिनल पे। तो यानी सीटी जो है उसका करंट प्राइमरी से होता हुआ थ्रू दिस ब्रिज, और इस ब्रिज से फिर वापस कॉमन होके दोबारा सीटी में। नीचे जो है जो नीचे मैग्नेट है लोअर मैग्नेट, इसकी वाइंडिंग जो है वो इसी लिंक है जी, इसी फ्लक्स के साथ यहाँ है जी, और यहाँ भी इस पे वाइंडिंग है, फिर ये नीचे आया जी यू शेप में, और यहाँ से वापस ये क्लोज है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर थ्रू दिस लोअर मैग्नेट एंड वापस, इन ये बेसिकली दूसरी वाइंडिंग है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि हमने पिछले उसमें शेडेड पोल में पढ़ा था। तो प्रिंसिपल सेम है, तो इसी जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन की गई है फ्लक्स टू, तो फ्लक्स टू जो है वो ये नीचे वाला मैग्नेट जो है प्रोड्यूस करेगा, ये अलग पोल है, और ये ऊपर वाला पाई वन होगा जो मेन होगा। अच्छा यहाँ पे ये जो है आपको ये डिस्क है जी, डिस्क के साथ स्पिंडल कनेक्ट है, ये स्पिंडल जो है इसके साथ यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है अगर आप इसको देखें जी, ये यहाँ आया हुआ है एंड द अदर वन इज एयर, यहाँ लिखा हुआ है टू ट्रिप सर्किट, इन ये जो है जिस टाइम ये डिस्क रोटेट करेगी तो ये जो इसका लीवर है ये वाला, ये शॉर्ट, ये इन दोनों कॉन्टेक्ट्स को शॉर्ट करेगा जो फॉल्ट होगा, और फिर ये आगे जाके ट्रिप सर्किट को एनर्जाइज करेगा। तो ये थोड़ा सा उसकी जो है ब्लॉक डायग्राम में है इसकी, और जो नेक्स्ट होगा इसका जो ब्रिज है वो यहाँ पे मैंने अलग से इसको शो किया है डिटेल के साथ। तो ये जो है इस रिले में बेसिकली दो सेटिंग होती है, एक होती है करंट सेटिंग, दूसरी होती है टाइम सेटिंग, टाइम डायल, यानी आप रिले को उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और सिमिलरली जो करंट सेटिंग है ये जो है यहाँ पे आपको टाइम सेटिंग नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे शो किया गया है करंट सेटिंग, ये जो है ये ब्रिज है, ठीक है। ये ब्रिज कैसे काम करता है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। तो करंट सेटिंग में यहाँ पे सिंगल सेटिंग नहीं है, ये 1 से लेके 7 स्टेप्स तक है, तो ये बेसिकली इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया कि आप करंट सेटिंग जो है ना डिफरेंट करंट सेटिंग कर सकते हैं इसमें, दे डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन के आपके सिस्टम में कौन सी जो है सेटिंग जो है वो सूटेबल होती है, तो इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया, मतलब बहुत रिजिड नहीं बनाया कि जी बस आप एक ही दफा जो है सेटिंग कर लें तो बस ये उसी सेटिंग के लिए रिली यूज होगी, बाकी किसी और के लिए यूज नहीं होगी। यहाँ पे इसको 1 to 7 स्टेप्स दिए हैं, और यहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हैं, अगर आप यहाँ गौर से देखें ये जो वाइंडिंग है ये बेसिकली
टेप्स हैं जो कि वाइंडिंग टेप्स जो है आप कोई भी सेलेक्ट करते हैं, 1 से लेके 7 तक। तो डिफरेंट जो है टेप्स, जैसे आप टेप चेंजर में आप जिस तरह यूज करते हैं, सेम एग्जैक्टली यहाँ भी ये यूज हो रहा है। अब ये जो टेप्स हैं 1 to 7, इसमें 1 का क्या मतलब होता है, फिर 2 में सेलेक्ट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, फिर 3 में up to 7, ये जो है अभी समझने वाली चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी आप करंट सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये थोड़ी सी जो है कंस्ट्रक्शन है, और इसकी जो है यहाँ पे वही चीज है जी, ये बेसिकली ट्रिप कॉन्टैक्ट्स हैं, ये जो ऊपर नजर आ रही हैं ये, ठीक है जी, ये स्पिंडल है जी, और स्पिंडल के साथ जो है डेफिनेटली ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ये लिवर है जो कि इन कॉन्टैक्ट्स को ऑपरेट कर रहा है, ये पूरी जो है डिस्क है ये रोटेट कर रही है। एनर्जी मीटर और यहाँ पे इंडक्शन डिस्क रिले में क्या डिफरेंस है, अगर आप देखें जी, एनर्जी मीटर जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करता है, आपने देखा होगा आपकी घर में जो लगा हुआ है, या वाट मीटर है वो कंटिन्यूसली इसका डिस्क रोटेट कर रहा होता है, जो मतलब लाइट सपोज अगर करंट फ्लो हो रहा है देन इट रोटेट्स। इन केस ऑफ इंडक्शन डिस्क रिले, ये जो डिस्क है उस टाइम रोटेट करती है जिस टाइम फॉल्ट होता है, तो डायरेक्शन भी इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, यानी ये दोनों साइड पे मूव नहीं करती है, एक साइड पे बैक स्टॉपर लगा होता है, तो बैक स्टॉपर में ये जो है आगे जो है ना कंटिन्यूस रोटेट नहीं करती है, बल्कि जिस टाइम इसका फॉल्ट आता है, यानी इसकी जो सेटिंग ऐसी होती है कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो फील्ड बनता है वो ड्यूरिंग फॉल जो है उसके फोर्स ज्यादा हो जाती है जिससे डिस्क रोटेट करती है। नॉर्मल करंट अगर फ्लो हो रहा है सिस्टम में, उस पे जो है जो टॉर्क है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि ये डिस्क को रोटेट कर सके, तो ये डिस्क जो है ड्यूरिंग फॉल्ट रोटेट करती है और नॉर्मल करंट में रोटेट नहीं करती है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। ऊपर जो है यहाँ पे ये चीज जो है ये अभी नेक्स्ट आएगा, ये है टाइम डायल सेटिंग है जी, तो टाइम डायल सेटिंग क्या है, अब आप आते हैं जी नीचे, ये चीज जो है आपको नजर आ रही है जी नीचे ये वाला, ये वही चीज है जो पीछे स्टेप्स हैं जी, 1 2 3 up to 7 steps, और ये जो है इसका सिलेक्टिंग प्लग है या पिन है जिसे आप टेप्स जो है, ये पीछे जो है इसकी ये जो है कॉयल है, और इसी को जो है यहाँ से आप टेप सेलेक्ट करते हैं, डिफरेंट टेप्स, यहाँ से इसकी हर टेप की वाइंडिंग जो है वो थ्रू ये वायर्स आ रही हैं जी, ये वायर्स यहाँ होती हुई हर स्टेप के साथ एक एक वायर कनेक्ट होते हैं, इनमें से कोई भी आप वायर जो है वो आप यानी वाइंडिंग ले सकते हैं। ये ऊपर जो है यहाँ से आपको ये कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि ट्रिप कॉन्टेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे एक शो किया गया, यहाँ पे डिफरेंट जो है ना आप एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, यानी ऑप्शन अवेलेबल होती है, आप ट्रिप कॉन्टैक्ट ब्रेकर को भी दे रहे हैं, आप ट्रिप कॉन्टैक्ट किसी लाइट को भी दे रहे हैं, उसके साथ किसी और रिले को भी एनर्जाइज कर रहे हैं, तो ये अवेलेबिलिटी होती है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको एक दो चीजें नजर आ रही जी, ये बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट में, लेकिन ये जो आपको ये लाइन नजर आ रही है ये रेड हो जाती है, ये रेड लाइन होती है, तो जिस टाइम रिले ऑपरेट हो जाती है तो वहां पे आपको जाहिर बात है इंडिकेशन भी आनी चाहिए कि रिले ऑपरेट हुई है, तो ये जो आपको फ्लैग नजर आ रहा है यहाँ पे ये ब्लैक नजर आ रहा है, बेसिकली रेड होता है, तो ये जो है ये इसका शटर है, ये शटर नीचे गिर जाता है और ये जो है चीज बाहर निकल आती है, तो आपको पता चल जाता है कि जी रिले ऑपरेट हुई है और ये लाइन रेड शो करते हैं। इसके बाद आप जब रिसेट करते हैं तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ये वाला शटर ये ऊपर चला जाता है तो रिले दोबारा रिसेट हो जाती है। तो ये अभी हम जो है पहले ये देखेंगे, ये जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है ये ब्रिज कैसे काम करता है और इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, मकसद क्या होता है और आगे इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये अभी हम देखेंगे जी। इसमें कोई क्वेश्चन है जी? नो सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं सबसे पहले जो है
इसमें जो रिले में समझने वाली चीज है वो ये ब्रिज सिलेक्शन है, फिर आगे उसका टाइम डायल सेटिंग है। टाइम डायल सेटिंग में भी इशू नहीं है, जब हम न्यूमेरिकल्स पे आएंगे और रिले की एप्लीकेशन देखेंगे फीडर प्रोटेक्शन में तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले इस चीज को समझना है। यहाँ पे अगेन जो है ब्रिज दिखाया गया है जी, ब्रिज सॉकेट है, और ये जो है सेलेक्टिंग प्लग है जो वहाँ आपको मैंने दिखाया है। यहाँ पे लेट सपोज वन पे इसको रखा हुआ, ये जो है आप निकाल सकते हैं, इसको आप निकालें किसी और में लगा दें मर्जी है। तो ये जो है कौन सा आप सॉकेट यूज करेंगे ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। ऊपर जो है परसेंट में कुछ चीजें शो की, जैसे वन मीन्स 50%, टू पे अगर आप लगाएंगे पिन टू पे तो 75%, 100% मैक्सिमम 200%, और जो स्टेप है वो 25% का है, यानी बिटवीन टू द स्टेप इज 25%। अभी इसका क्या मतलब है जी, 50% क्या है, 7500, ये भी जो अभी क्लियर होगा इसी स्लाइड में। तो इसमें जो है प्लग ब्रिज इज अवेलेबल, इट इज अरेंज्ड टू गिव 7 सेक्शन ऑफ टेपिंग्स, जो पिछला है जो है जैसे ट्रांसफार्मर है उसकी 7 टेपिंग्स है, एंड गिव ओवर करंट रेंज फ्रॉम 50 to 200% एज शोन। तो ये जो है 50 से लेके 200% तक। अच्छा, अब ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो यूज कर रहे हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड है, चूंकि हम यहाँ पे ज्यादातर हम यूज करते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में ये रिले जो है यूज हो रही है, अभी भी वापडा यूज कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली स्टैंडर्ड इज ब्रिटिश स्टैंडर्ड, आईसी स्टैंडर्ड जिसको आप कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको शो किया। तो ओवरकरंट सेटिंग जो होती है, यानी अगर हम इस रिले को नाम हमने दिया है इंडक्शन डिस्क नॉन डायरेक्शनल भी साथ ऐड किया हुआ है, नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट इंडक्शन डिस्क रिले, तो इसकी जो सेटिंग होती है वो इसी तरह 50%, 75%, 100% और अप टू 200%। अब यहाँ पे ये हम देखते हैं कि जी ये जो परसेंटेज है इसका मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे रीड करते हैं, कोई भी आप टेप सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या होगा। तो इस थोड़ा सा एग्जाम्पल में मैंने दिया कि लेट सपोज एक रिले है, यही रिले हमने इंडक्शन डिस्क के लिए हम यूज कर रहे हैं, और इसका प्लग सेटिंग हमने रखा हुआ है 150, यानी टेप 5 पे रखा हुआ है, इस पिन को निकाल के हमने 5 पे लगाया हुआ है, एंड द रिले इज कनेक्टेड विद सीटी ऑफ रेशियो 500/5। जो सीटी है उसकी रेशियो है 500/5, तो इस 150% का मतलब क्या होगा। तो बहुत इजी है, ये बेसिकली पिकअप वैल्यू होती है, और इस पिकअप वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली आपने क्या करना है, आपने सीटी का सेकेंडरी करंट लेना है जैसे 5 है, और 150% इस 5 का लेना है, ठीक है जी। तो 5 × 150% यानी 1.5 हो जाएगा, और × 5 7.5, इसको आपने क्या किया एम्पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या है जी, दिस इज द पिकअप वैल्यू, यानी ये इस रिले के कॉइल में अगर 7.5 एम्पेयर करंट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो रिले ऑपरेट होगी। इट मींस कि आपने इसकी पिकअप वैल्यू रखी है 7.5 एम्पेयर पे। सिमिलरली आप अगर टेप चेंज करना चाहते हैं, अब ये जो है ये यानी आपने 150% क्यों सेलेक्ट किया, ये बात की स्टोरी है। पहले आप ये समझना है कि जो टेप्स हैं हर टेप का मतलब क्या होता है। तो जो 7 स्टेप्स हैं इनमें कोई भी जब आप टेप सेलेक्ट करते हैं तो आप उस रिले की पिकअप वैल्यू सेट करते हैं, यानी आपने रिले को एक थ्रेशोल्ड दिया होता है कि अगर इस रिले में इस करंट से ज्यादा करंट फ्लो होगा तो रिले ऑपरेट होगी, एल्स रेस्ट्रेन होगी यानी ऑपरेट नहीं होगी। तो ये जो है बेसिकली शो करता है पिकअप वैल्यू ऑफ द रिले 50 से लेके 200%। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप 50% पे इस प्लग को रखते हैं तो पिकअप वैल्यू जो है ना आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 × 50%
तो ये 2.5 आ जाएगा। सिमिलरली आप कोई भी टेप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड ऑन दी एप्लीकेशन कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट ऑफ करंट सेटिंग इज मेड बाई इंसर्टिंग अ पिन बिटवीन अ स्प्रिंग लोडेड जो ऑफ द ब्रिज सॉकेट। तो पीछे जो है ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं ऊपर, जिस टाइम आप इसको प्रेस करते हैं तो पीछे वाला जो वाइंडिंग है वो सिलेक्ट हो जाता है। इन बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला ये पॉइंट है ये कॉमन है जो सीटी के साथ कनेक्ट हुआ, तो वन और ये पॉइंट कनेक्ट हो जाता है। सिमिलरली जब आप पिन निकालते हैं सेवन पे करते हैं तो फिर सेवन और ये वाला पॉइंट काम हो जाता है, बाकी जो है उस टाइम ओपन रहते हैं। तो ये जो है करंट सेटिंग है, आप करंट सेटिंग और इसको कैसे जो है सिलेक्ट करते हैं। जी इसमें कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर अगर हम पिन नंबर 6 को सिलेक्ट करते हैं 175% फिर पिन का वैल्यू बता दें। हाँ अगर आप 175% पे सिलेक्ट करते हैं व्हिच इज नंबर 6 है ना, तो आप यस सर 1.75 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें। यस सर थैंक यू। ठीक है तो ये जो है ना ये चीज आपने आपसे नहीं भूलेगा, ये चीज ये जो रेड मैंने शो किया है इसको आपने नहीं भूलना है, बस फिर आपसे गलती नहीं होगी। अच्छा एक चीज याद रखना है आपने, सीटी रेशियो जो है इसका ये सेकेंडरी जरूर देखना है। बाजव का था आपको 500/1 सीटी लगी होती है ना, तो वो चीज जो है वो आपने सेकेंडरी लेना है। अगर 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, अगर 1 है तो 1 हो जाएगा, अगर 0.2 है तो 0.2 होगा। इस ये चीज ख्याल रखना है। बाजव का था आप लोग जल्दी में जो है ना सीटी रेशियो नहीं देखते हैं, आपने आपके जहन में होते हैं जी 5 है, 5 में आपने कड़का दिया 5 लिख दिया एंड योर सेटिंग जो है ना वो खराब हो जाती है, न्यूमेरिकल सारा गलत हो जाता है। ठीक है जी, या आप फील्ड में काम कर रहे हैं आपसे गलती हो जाती है सेटिंग में, फिर इश्यू होता है, आप देखते हैं जी कहाँ पे मुझसे गलती है। तो ये चीज जो है इसको आपने केयर करनी है। ठीक है जी। तो अभी करंट सेटिंग की समझ आ गई जी, ये प्लस सेटिंग का क्या मतलब होता है। जी सर अब देखें ना इसमें जो सेटिंग्स है इसमें से कोई भी सेटिंग जो है आप सिलेक्ट करते हैं और आगे जो है आपने रिले की एक सेटिंग कर ली है, या जैसे हमने कहा कि ये रिले जो है इसमें दो सेटिंग होती है, एक होती है करंट सेटिंग जो कि आप स्पिन से करते हैं, दूसरी सेटिंग अभी हम देखते हैं वो है टाइम सेटिंग जिसको हम कहते हैं टाइम डायल सेटिंग। यहाँ पे जो पिछला वो होता है ये वाला जो ऊपर आपको नजर आ रहा है टाइम, ये जो है इस पे भी एक डायल होता है, जैसे आप लोग रेडियो वगैरह में जिस तरह आप करते थे उसमें कोई आप स्केल सेलेक्ट करते थे या कोई फ्रीक्वेंसी, तो सेम उसी तरह जो है एक डायल लगा होता है इस रिले पे, और इस डायल की जो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि इसको थोड़ा सा ताकि आपके उसमें बैठ जाए, ये जो है बेसिकली टाइम डायल जो है ये करता क्या है जब आप इसको चेंज करते हैं नॉब। तो टाइम सेटिंग जो है डिस्क पिंडल कैरीज मूविंग कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जरा कंस्ट्रक्शन देखें जी, ये जो है डिस्क है और डिस्क के साथ ये स्पिंडल कनेक्ट है, स्पिंडल जो है नीचे जो है स्पायरल स्प्रिंग है जिस जो रेस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा इसी स्पिंडल के साथ ऊपर जो है एक डायल लगा हुआ है। ठीक है जी, ये डायल, इस डायल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो है 0 से लेके ये जो है 1 तक है मैक्सिमम। ठीक है जी। अच्छा इसमें जो स्टेप्स हैं वो है 0.1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 0.4 है एंड मैक्सिमम 1 तक ये है। इस दरमियान में भी कुछ वैल्यूज हैं लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादा यूज होती है वो ये मेन जो है 0.12 अप टू 1। अच्छा ये जो है ये चीज आप दिस इज मूविंग कॉन्टेक्ट, मूविंग इसलिए कहते हैं कि ये जब डिस्क रोटेट करता है तो उसके साथ ये जो इसका लीवर है ये भी रोटेट करता है। इस साइड पे आप देखिए जी ये जो है दीज आर फिक्स कॉन्टेक्ट, ये मूव नहीं करता, ये बॉडी के साथ जो चेसिस है रिले का केसिंग है उसी के साथ ये फिक्स होता है, और इसी के साथ यहाँ पे ये दो कॉन्टेक्ट होते हैं टू टिप सकेट। तो जिस टाइम ये डिस्क रोटेट करता है
ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह इसकी रोटेशन है, तो ये जो है ये इट मूव्स टुवर्ड्स दिस कॉन्टैक्ट, और जब ये इसके साथ टच हो जाते हैं तो ये दोनों जो है शॉर्ट हो जाते हैं और आगे ये ट्रिप सर्किट में चला जाता है। तो इसमें भी यही चीज है, ये जो स्पिंडल है ठीक है जी, और ये कॉन्टैक्ट्स हैं, पीछे जो है ये टाइम डायल है, ये भी इसी के साथ इसी स्पिंडल के ऊपर कनेक्ट है, आप देखें जी बिल्कुल यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे नीचे भी स्प्रिंग होता है, यहाँ भी आपको एक स्पाइरल स्प्रिंग नजर आ रहा है। तो ये जो है ये जो ऊपर डायल लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा होगा, ये जो है ये बिल्कुल आपको ये डायल 654 इसी तरह ये डायल आपको नजर आता है ठीक है जी। तो ये इसकी सेटिंग जो है वो आप कैसे करते हैं और मकसद क्या होता है। तो दिस मूविंग कॉन्टैक्ट, ये जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये वाला ब्रिजेस शॉर्ट करता है टू फिक्स कॉन्टैक्ट, ये दो फिक्स कॉन्टैक्ट है, इनको ये ब्रिज करता है या शॉर्ट करता है व्हेन द डिस्क हैज रोटेटेड थ्रू अ प्रीसेट एंगल एज शोन। ये जो एंगल है ये फॉर एग्जांपल इस ये जो डायल है इसको आप कैसे सेट करते हैं, इस डायल के ऊपर जो है यहाँ पे एक नाब लगा होता है, उस नाब को जो है आप जब घुमाते हैं तो ये पूरा जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट पीछे आता है ऐसे, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे जब आप घुमाते हैं तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो पीछे आता है, ऐसे पीछे आता है यूं आके। अब जितना आप इस डायल को पीछे लाते हैं उतना ही इसका ऑपरेटिंग टाइम ज्यादा होता जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप गौर से देखें ये जो कॉन्टैक्ट ये जो लीवर है ये अगर मैं बहुत पीछे लाऊं, मैं यहाँ पे इसको ले आऊं, तो जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो इट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ होते 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 यहाँ तक जाएगा ठीक है जी, इट विल टेक मोर टाइम। तो उसमें जो डायल की सेटिंग होगी ना वो वन की तरफ जाएगी, यानी वन जो है वो यहाँ आएगा। अच्छा, अब आप इस लीवर को अगर आप यहाँ रखते जैसे इस पोजीशन पे है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो इट विल ट्रेवल लेस डिस्टेंस, इट मीन्स इट विल टेक लेस टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस। तो ये आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, आप जब इस टाइम डायल सेटिंग की वैल्यू बढ़ाते हैं यानी वन की तरफ जाते हैं तो आप इस लीवर को पीछे ले आते हैं, जितना आप पीछे ले आते हैं लेट्स सपोज 360 डिग्री तक, तो मैक्सिमम टाइम विल बी टेकन बाय दिस लीवर टू क्लोज द चिप कॉन्टैक्ट। तो ये जो है दिस एडजस्टमेंट इज कॉल्ड टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, और TMS इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 टू 1 इन स्टेप्स ऑफ 0.1, ये मैंने अभी पहले बताया था कि 0.1 से लेके 0.2 और इस तरह जो स्टेप्स हैं 0.1 के, तो टोटल जो है 0 से लेके मैक्सिमम 1 तक इसकी सेटिंग होती है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं टाइम डायल सेटिंग। अब ये टाइम डायल सेटिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जो है क्यों हम करते हैं, तो इसकी जो बेसिक रीजन है वो ये है कि अगर आप रिले को जो है एज ए बैकअप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने शुरू में नॉन यूनिट सिस्टम पढ़ा था जिसमें दो तीन सेक्शंस लिए थे और उसमें हमने तीन रिलेज लगाई थी, तो उसमें जो लास्ट सेक्शन की रिले थी और फिर उसके बाद सेक्शन टू की रिले थी वो थोड़ा सा वेट करती है, तो वो वेट कैसे आप करते हैं, वो वेट आप इसी टाइम डायल सेटिंग करते हैं। जब आप इस टाइम डायल को सेट कर लेते हैं जो भी वैल्यू आती है, अब इसकी सेटिंग कैसे होती है ये हम बाद में देखेंगे कि सेटिंग किस तरह होती है, तो यहाँ से जो है ना आप टाइम डिले देते हैं और यही टाइम डिले इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बैकअप प्रोटेक्शन। तो ये जो है इस रिले में दो सेटिंग है, एक है टाइम डायल सेटिंग और एक है करंट सेटिंग। जी इस टाइम डायल सेटिंग में कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं सर, ये प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन में भी टाइम डायल सेटिंग से ही वो सेटिंग होती है? हाँ, इसमें आप देखें ना प्राइमरी, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप थोड़ा सा जहन में अगर आपको याद होगा जो फीडर प्रोटेक्शन हमने नॉन यूनिट सिस्टम पढ़ा था
उसमें हमने लेट सपोज तीन सेक्शन लिए थे, सेक्शन 3, 2 एंड 1, 1 जो है सोर्स के करीब था, 2 जो है और फिर 3 अवे था, यानी अवे फ्रॉम द सोर्स था। तो अगर 3 में जो है आप उसका प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होता है तो फिर जो सेक्शन 2 का था प्रोटेक्शन वो ऐसे बैकअप यूज होता है। अब जहरी बात है कि अगर फॉल्ट करंट उसमें से भी फ्लो हो रहा है तो सेक्शन 2 को वेट करना चाहिए। अब वो वेट कैसे करेगी रिले, वो आप इस टाइम डायल से उसको वेट करवाते हैं, ठीक है, कि वो जो है फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ऐसे समझा दूं कि अगर प्राइमरी रिले की पोजीशन ये है जैसे आपके सामने है और जो दूसरी सेक्शन 2 की रिले है उसकी सेटिंग में इस लीवर को थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ, तब क्या होगा कि अगर सेक्शन 3 की रिले ऑपरेट नहीं होती है तो फिर आगे जो है ये वाला जो कॉन्टेक्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करना शुरू करता है, ये जब काम नहीं करता है तो फिर ये जो है आगे इसको क्लोज करता है, यानी वो अलग से रिले है ये अलग से है। तो ये जो है ये आप टाइम डायल जब आप सेट करते हैं तो बेसिकली आप उसको डिले देते हैं, ये रिले जो है वो किस टाइम के बाद इसको ऑपरेट होना चाहिए, इसको हम कहते हैं TMS, ठीक है जी। अब ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये अभी आपको मजीद क्लियर हो जाएगी जब मैं रिले की करेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है इसको मैं थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं और हम जाते हैं जी इस डायग्राम पे जी। ये है रिले के करेक्टरिस्टिक्स, इसको आपने गौर से देखना है जी। यहाँ पे जैसे आपने फ्यूज करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, डेफिनेटली ये भी इनवर्स करंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं रिले की। यहाँ पे नीचे जो है आपको नजर आ रहा है जी एक्स एक्सिस पे करंट मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल ऑफ द प्लग सेटिंग, ये वो प्लग सेटिंग है जो अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या, ये भी मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज दिस, यानी ये इसको बेसिकली PSM कहते हैं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर या मल्टीपल ऑफ प्लग सेटिंग। तो इसका क्या मतलब है ये अभी आपको क्लियर करूंगा, मैं पहले वाली स्लाइड है। इस साइड पे आप देखें जी ये वाई एक्सिस पे टाइम है इन सेकेंड्स, इन ये रिले कितने टाइम में ऑपरेट होगी। अच्छा यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ है TMS, तो ये जो है आप देखें वही 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.4, तो 1 तक है। यहाँ से आप जब टाइम डायल को सेट करते हैं आप कोई भी जो है वहाँ पे इसकी सिलेक्शन होती है, अगर आप 0.1 को सिलेक्ट करते हैं TMS 0.1 पे रखते हैं डायल को, तो फिर करेक्टरिस्टिक रिले की ये जो है ना आप यूज करेंगे, यानी जितना करंट फ्लो हो रहा है ये फॉल्ट करंट है बेसिकली, इसको आप सिंपली जो है ये जो एक्स एक्सिस पे है दिस इज फॉल्ट करंट। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉल्ट करंट 10 टाइम्स है तो फिर आप अगर आप ये करेक्टरिस्टिक यूज करें तो अगर फॉल्ट करंट ये फ्लो हो रहा है तो ये रिले जो है किस टाइम में ऑपरेट होगी, वो आप यहाँ से रीड करेंगे इस साइड, यानी 0.28 हो सकता है या 0.27। सिमिलरली अगर फॉल्ट करंट जो है वो 8 है जी 8 टाइम्स, तो फिर आप ये वाली रीडिंग नोट में 0.3 सेकेंड में जो है रिले ऑपरेट होगी। सिमिलरली अगर आप टाइम डायल चेंज करते हैं, अब आप गौर से देखेंगे, जैसे हमने कहा था कि जब आप टाइम बढ़ाते हैं आप डिले ज्यादा करते हैं तो आप टाइम डायल सेटिंग को 1 की तरफ ले जाते हैं। आप देखें जब आप 0.1 से ऊपर जा रहे हैं तो इसकी जो ऑपरेटिंग टाइम है वो बढ़ता जाता है, कैसे, फॉर एग्जांपल 0.1 की सिलेक्शन थी और हमने 10 फॉल्ट लिया था तो उसका ऑपरेटिंग टाइम ये था, अगर मैं टाइम डायल सेटिंग को रखता हूँ 0.2 पे एंड द फॉल्ट करंट इज सेम 10, तो फिर इसका ऑपरेटिंग टाइम 0.5 तक चला जाता है। अगर मैं इसको रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 पे, यानी मैक्सिमम पे मैं लीजिए बहुत पीछे ले आया हूँ, तो उसका ऑपरेटिंग टाइम आप देखिए जी 2 पॉइंट इससे भी जो है ना ज्यादा हो। तो ये जो है 2 और 3 के दरमियान, इसी तरह जब आप टाइम डायल सेटिंग को बढ़ाते हैं तो बेसिकली आप डिले देते हैं कि वही फॉल्ट करंट है 10 है, 0.1 पे ये डिले है, फिर 0.2 पे कुछ ज्यादा है, 0.3 पे ज्यादा। तो ये जो है डिफरेंट जो है, अब आप लेट सपोज अगर आप 2-3 रिले यूज कर रहे हैं तो एक में आप सेटिंग 0.1 रखते हैं, दूसरी में आप 0.2 रखते हैं, तीसरे में 0.3 रखते हैं या 0.4, इसी तरह जो है ना आप टाइम डिले देते हैं बिटवीन द रिलेज ताकि ये दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करें
और एज ए बैकअप भी यूज हो। तो ये जो है इसकी इस रिले की टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक है जी। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की किसी को समझ ना आई क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? नो सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे इसी करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड जो है ये चीज है। व्हाट इज पीएसएम? तो पीएसएम जो है दिस इज कॉल्ड प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, दोबारा जो मैं स्लाइड पे आता हूँ करेक्टरिस्टिक्स वाली, ये इसके नीचे जो है ये जो एक्स एक्सेस पे आपको वैल्यूज नजर आ रही है ये पीएसएम है, ठीक है जी। यहाँ लिखा हुआ है करंट यानी मल्टीपल्स ऑफ प्लग सेटिंग, तो इसका जो जनरल नाम है वो है पीएसएम, ठीक है जी। तो ये हमेशा जो है आप एक्स एक्सेस पे वैल्यू लेंगे पीएसएम, और इसी तरह जो है ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ये जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है जी। किसी भी न्यूमेरिकल के साथ जो भी रिले होगी, यहाँ पे ये पेट आईडीएमटी रिले है तो इसके करेक्टरिस्टिक्स ये होंगे। अच्छा जी, अब हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि पीएसएम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक न्यूमेरिकल लेट सपोज गिवन होगा, नीचे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया समझाने की, उस न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको पीएसएम की जरूरत पड़ेगी, यानी आप ये कैलकुलेट करेंगे कि फॉल्ट करंट कितना है, ठीक है जी, फॉल्ट करंट की वैल्यू कितनी है। अगर वो वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है कि आप करेक्टरिस्टिक्स को यूज नहीं कर सकते, तो आपको पीएसएम जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसका बहुत आसान फार्मूला है, PSM इज इक्वल टू लिखा हुआ है जी सेकेंडरी करंट ड्यूरिंग फॉल्ट, यानी सेकेंडरी करंट से मुराद ये है CT का जो है, जब CT पे आप करंट, जैसे आप एग्जांपल की तरफ यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें जी, ये जो सेकेंडरी करंट है यहाँ पे शो किया गया 100 एम्पीयर, ठीक है जी। तो ये कहता है कि सेकेंडरी करंट ड्यूरिंग फॉल्ट, देखें फॉल्ट आया है और प्राइमरी करंट यहाँ नहीं पता कितना है, लेकिन आपको सेकेंडरी करंट जो रिले में फ्लो कर रही है वो है 100 एम्पीयर। तो ये आप 100 एम्पीयर ले लेंगे जी, डिवाइडेड बाय रिले करंट सेटिंग। अब ये क्या चीज है जी रिले करंट सेटिंग? रिले करंट सेटिंग जो है ये बेसिकली जो अभी हमने देखा प्लग सेटिंग है या पिकअप वैल्यू है, लेकिन इसकी यहाँ पे ब्रेकेट में इस चीज को आपने भूलना नहीं है, दिस इज इन एम्पेयर। बाज औकात आप लोग क्या करते हैं, गलती से आप सिर्फ यहाँ पे प्लग सेटिंग डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन है कि जी प्लग सेटिंग इस रिले की वो जो है वो 200% है, तो आप क्या करते हैं जी यहाँ 200% डाल देते हैं और आप पीएसएम निकाल लेते हैं, जो कि गलत होता है हमेशा। इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है इन एम्पेयर। तो जब आप एम्पेयर में बेसिकली ये क्या चीज़ है, रिले पिकअप वैल्यू है। तो ये जो हमने पिछला अभी फाइंड किया है कि इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप प्लग सेटिंग ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय दी सीटी सेकेंडरी करंट, 25 × 200%। तो फिर जो है ना 100 / ये जो वैल्यू आएगी वो आपके पास पीएसएम हो जाएगा। एक तो फार्मूला एक ये है, ये फार्मूला कब यूज होगा? अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को गौर से देखें, ये फार्मूला उस वक्त यूज होगा जब आपको सेकेंडरी करंट पता है, आपको गिवन है, यानी रिले में से कितना करंट फ्लो है, यानी सीटी का सेकेंडरी करंट फॉल्ट करंट कितना फ्लो है, जब ये गिवन होगा। बाज औकात आपको न्यूमेरिकल्स में प्राइमरी करंट गिवन होता है, फॉल्ट करंट सेकेंडरी गिवन नहीं होता है, यानी ये गिवन नहीं होता है। आपको लेट सपोज गिवन है कि ये फॉल्ट है जी और डिफॉल्ट करंट इज लेट सपोज फ्लोइंग इज 6000 एम्पीयर प्राइमरी साइड पे, तो फिर आप ये दूसरा फार्मूला यूज कर लेंगे ये वाला। तो ये भी इसी फार्मूले से निकला है,
कोई नई चीज नहीं, इसी फार्मूले में वैल्यूज डाल के ये वाला फार्मूला निकाला गया, या यहीं से आप ये वाला भी निकाल सकते हैं। तो इसका जो है प्राइमरी करंट ड्यूरिंग फॉल्ट डिवाइडेड बाई, एक चीज यहाँ पे क्या चीज ऐड हो गई, सीटी रेशियो ऐड हो गई, ठीक है जी। तो बाकी उसी तरह यहाँ पे इसकी जगह प्राइमरी करंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं अगर लिखूँ जी 6000 एम्पीयर, तो यहाँ 6000 आ जाएगा डिवाइडेड बाई रिले करंट सेटिंग है 200% मल्टीप्लाई बाई ये 5 इंटू सीटी रेशियो आपको गिवन होगी, सीटी की जो भी गिवन होगी वो यहाँ पुट कर देंगे, आपके पास पीएसएम आ जाएगा। अब इसमें याद रखना है कि पीएसएम दोनों के केस में अगर ये इक्वल करंट है, इसका इक्वलेंट 100 है 6000 का, दोनों के केस में पीएसएम सेम ही आएगा। उसमें मतलब है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जी यहाँ से मैं पीएसएम निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी, और अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो, दोनों के केस में चूंकि फार्मूला एक ही है तो पीएसएम विल रिमेन सेम, आइदर यू विल बी गिवन द सेकेंडरी करंट और यू विल बी गिवन द प्राइमरी फॉल्ट करंट, दैट डिपेंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल में मैंने शो किया है कि फॉर एग्जाम्पल एक रिले है और उसकी जो सेकेंडरी करंट है वो 5 एम्पेयर है, इट इज सेट एट 200%, इसका जो पिन है वो 200% पे आपने लगाया। इफ द सेकेंडरी फॉल्ट करंट इज 100 एम्पेयर, देन व्हाट विल बी द पीएसएम। तो पीएसएम निकालने के लिए ये फार्मूला पहले वाला हम यूज करेंगे, पीएसएम इज इक्वल टू 100 एम्पेयर है डिवाइडेड बाई रिले करंट सेटिंग इन एम्पेयर, 200% मल्टीप्लाई बाई सेकेंड इज 5, तो 100/10 इज पीएसएम 10। तो इसी तरह जो है आप कोई भी जो है आपको गिवन होगा तो वहां से आप पीएसएम निकाल सकते हैं। ये तो यानी हमने छोटा सा एक ही रिले ली है, तो स्टेप बाय स्टेप हम मुश्किल डिफिकल्ट लेवल की तरफ जाएंगे। तो पहले दो न्यूमेरिकल्स हम इस तरह देखेंगे कि ये जो है आपको पीएसएम और फिर रिले सेटिंग और सिंगल सिंगल, लास्ट में जब हम सीख जाएंगे कि पीएसएम और टाइम डायल सेटिंग, तो फिर हमें कैसा न्यूमेरिकल गिवन होगा जिसमें आपको सीटी वैल्यू भी गिवन नहीं होगी, आपको प्लग सेटिंग भी गिवन नहीं होगी, आपको टाइम डायल सेटिंग भी गिवन नहीं होगी, आपको सिर्फ फॉल्ट लेवल गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि ये 2-3 रिलेज हैं जो कि एक सिस्टम में लगी हुई हैं, इनको आपने सेट करना है, सीटी सिलेक्शन भी करनी है किस रेशियो का सीटी लगाए, और रिले की सेटिंग किस परसेंट पे हम करें। तो ये इंशाल्लाह हम लास्ट जब 2-3 उसमें सीख जाएंगे तो फिर हम लास्ट उस पर आएंगे डिफिकल्ट उसकी तरफ जी। तो पीएसएम कैलकुलेशंस में कोई क्वेश्चन है जी? नो सर। सबको समझ आ गई है जी? सर सर इतना काफी। अगले वीक मेरा प्रोग्राम है, 2 क्विज ले लेते हैं, क्या ख्याल है? सर असाइनमेंट दे दो, उसी के मार्क्स लगा दे क्विज की। नहीं क्विज अब लेना है ना, क्विज अब जरूर मस्ट है ना, क्योंकि टेस्ट सेशन वगैरह आपके सुनने में आ रहे हैं कि ना हो, ठीक है ना? तो उसमें मुश्किल नहीं होगा, उसमें मैं आपको एमसीक्यूज टाइप दे दूंगा ना क्विज, ठीक है सर? सर जी एमसीक्यूज बनाना है, लेकिन आसान बनाए, पेपर जैसा नहीं बनाना है सर। सर पोर्टल पे अपलोड कर देना ना। तो उसमें सर टाइम की ड्यूरेशन ज्यादा करनी है उसमें क्विज में। अच्छा नहीं, अच्छा अब आप चैप्टर बताएं जी, अपनी चॉइस का, अपनी चॉइस का बता दें, कोई होंगे दो चैप्टर बताएं जी पिछले वाले, तो अपनी चॉइस एक तो फ्यूज वाला करें पहला और तीसरा। ओके फ्यूज वाला एक हो जाएगा, दूसरा पहला चैप्टर सर, बस सही है, ठीक है, बस ये फ्यूज वाला। मैं ये चाहता हूँ वो हम कवर कर लेना, चैप्टर्स हम थोड़े से कवर कर लें, अगर आप फ्यूज है तो उसके साथ एक सीटी वाला ऐड कर लें। ठीक है सर, पहला चैप्टर हो जाएगा सर उसके साथ, पहला चैप्टर उसके साथ कर लें। हाँ जी प्राइमरी बैकअप प्रोटेक्ट चैप्टर 1 कर दे सर, एक चैप्टर ये 3 हो जाएगा फ्यूज वाला। अच्छा ओके, चैप्टर 1 और चैप्टर 3, इसमें से
मैं थोड़ा सा एमसीक्यू सर वो या प्रोटेक्ट कर देंगे सर। तो ये वन इसका भाई आप बोले जी बोले ये कंफर्म है जी वन और थ्री यस सर जी सर ये कब लेके यस सर यस सर ठीक है सर एक क्विज कर ले एक असाइनमेंट कर ले सर एक असाइनमेंट छोड़ो यार असाइनमेंट देते मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा कोई इशू नहीं है तो यार सर ये जो कह रहे हैं असाइनमेंट दे दे इसको सिर्फ दे दूं नहीं असाइनमेंट मां से पान असाइनमेंट पे क्यों परेशान होते हैं सर ये असाइनमेंट ले लिया क्विज उसी के मार्क्स लगा रहे दोनों के साथ रमजान है सर इतना सर दिमाग का रमजान में देखे मुशक्कत ज्यादा करनी चाहिए ना सवाब वो इबादत करते सर इबादत असाइनमेंट भी दे इबादत सर और क्विज दोनों दे दोनों दोनों काम का सवाब मिलता है दुनिया में ये उसको भी तो नहीं छोड़ना है ना ठीक है आसान दे बस सही है सर आप दोनों चले आप परेशान नहीं सर कब होगा क्विज कब होगा सर अगले अगले वीक में अगले वीक में लास्ट जो थर्सडे थर्सडे को हम ले लेंगे आपसे थर्सडे को ओके सर ताकि आप लोग पूरी तैयारी कर लें ठीक है ठीक है सर नहीं होगा सर जी थैंक यू सर वो अच्छा सर टू के बाद आपने नोट अपलोड नहीं किए सर क्या चीज अपलोड नहीं किया सीटी एनपीटी का जो चैप्टर था ना सर नहीं नहीं आप दोबारा के बाद आपने थोड़ा बहुत काम किया था सर वो नहीं किया अपलोड आपने नहीं नहीं आप दोबारा देख लो ये मैंने परसों किया है जरा चेक कर लो दोबारा देख लो फाइल देख लो ठीक है सर आज वाली में सर बाकी जी सर जो आपने नोट्स अपलोड किए सर वही पढ़ लेता हमारे लिए काफी है ना काफी है उसमें अगर आप उसके साथ कोई थोड़ी सी डिटेल पढ़ना चाहते हैं आपकी मर्जी है मैंने कोशिश तो की है कि उसी में सारा कवर कर लूं ना स्लाइड्स में बस सर ठीक है सर ये जितने सर ये जितने लेक्चर्स हुए सर ये आपके पास रिकॉर्डेड हैं यार ये मैं इसमें इसमें देखता हूँ ये इनका जो है ना टीम वाली में उसमें शायद अभी रिकॉर्डिंग हो तो रही है वहां से मैं देख लूंगा ना सर अगर है तो ये सारे लेक्चर सर YouTube पे अपलोड कर रही सर हम सारे दोबारा देख लेंगे सर अगर कोई देखना चाहते एक काम कर लेंगे अगर लेट्स सपोज आपको इशू है ना तो आप जो कमिंग वीक है ना उसमें आप थोड़ा सा हम लास्ट में 10 मिनट का उसमें आप बेशक क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है किसी भी स्लाइड से रिलेटेड ठीक है तो उसमें इशू नहीं होगा इंशाल्लाह आप रीड करेंगे कोशिश मैंने की है कि सब कुछ जो है और जहरी बात है क्विज वगैरह वो इसी स्लाइड से होंगे ठीक है लेक्चर नोट से थैंक यू सर हम यही चाहते हैं ओके जी सर जी ये असाइनमेंट 1 जो है वो जो पहले रेडी शो कर जी आवाज आवाज नहीं है जी जी सर कह रहा है कि असाइनमेंट हमने आपको दिया था पहले कौन सा असाइनमेंट असाइनमेंट 1 असाइनमेंट जी सर वो उसमें मैं उसको छोड़ देना अभी दूसरा जो है ना मैं दे दूंगा आपको थोड़ी सी जो है जैसी आपकी मर्जी है सर ठीक है जी चले जी नमाज पढ़े ओके अल्लाह हाफिज़ ओके अल्लाह हाफिज़